हेलो हेलो राम जी, हेलो हेलो राम जी, राम जी पांडे, हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है राम जी पांडे? हेलो, यस सर, यस सर आ रही है। ठीक हाँ तो बोलो यार, तभी तो कह रहा है। क्या हाल है? सब है सर। लोग बढ़िया हो? ऑल यस सर, यस सर, गुड। तुम लोग क्लास अब इसी में चला करेगी, जूम की? और यस सर, बारह से ले लिया करेंगे। ठीक सर। और बाकी लोग अभी जुड़े नहीं हैं। अभी नहीं जुड़े सर। हाँ तो आज चलो सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। मैं आप ईडी में जो है जो मुझको स्टार्ट करना है। मेरी शक्ल दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? हेलो, जी सर, दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही सर। ओके। तो वही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें जो है आपकी जो चौथी यूनिट से रिलेटेड है, आपका सोर्स ऑफ बिजनेस आइडियाज जो है इन पे बात करना है। टॉपिक आपको मिल गया होगा। तो बिजनेस आइडियाज क्या क्या होते हैं? बिजनेस तो आप जानते हो आप लोग क्या है, और एंटरप्रेन्योर भी आपने इससे पहले पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या हो सकता है। तो जैसे कि अमित कुमार भी एडमिट हो गया है, ओके। तो जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि ये सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज, कल भी मैंने बात की थी। तो सबसे पहले तो आप देखते हो कि बहुत सारे इंटरप्रेन्योर होते हैं जिनके बारे में आप जानते भी होंगे। जैसे मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी है, धीरू भाई अंबानी के दोनों पुत्र हैं ये। और अगर हम और अच्छे इंटरप्रेन्योर की बात करें, जैसे इंटरनेशनल इंटरप्रेन्योर की बात करें, तो आपने देखा होगा ट्रम्प का नाम सुना होगा, जिस समय जो इससे पहले जो है अभी पिछले दशक में ही अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, डोनाल्ड ट्रम्प। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है और बहुत ही सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना। तो अब ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार इनके पास क्या क्या बिजनेस आइडियाज रहे होंगे, इनके सोर्सेस क्या रहे हैं, ये क्या करते होंगे। जैसे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि आपने अब्दुल कलाम आजाद का नाम सुना होगा। खत्म हो गए, हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, एक साइंटिस्ट भी थे। तो उनकी कुछ ऐसी दिनचर्या थी, वो उनका एक कहना था कि एक व्यक्ति के दिमाग में नए नए आइडियाज आने चाहिए, और वो आइडियाज जो है हम अपने दैनिक जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें। ये सपोज करो एक बिजनेसमैन होता है, उसके पास अपना एक खुद का बिजनेस होता है, तो वो उसको एक चीज का तो अच्छी तरह पता रहता है कि मुझको मार्केट में अगर अपनी दुकान खोलना है या मैं अपनी मतलब बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मेरे सामने कई कंपटीटर होंगे जो मुझको कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे कि हाँ, जो एक कंपटीशन वे में अगर बात करें तो उससे कंपटीशन फॉलो करना पड़ता है। यानी कि इतना ज्यादा कंपटीशन मार्केट में होता है कि उसको अपना बिजनेस स्टैंड करना है, उसको आगे भी बढ़ाना है, ठीक है ना। क्योंकि अकेले तो रहता नहीं एक बिजनेसमैन, उसके साथ बहुत सारे कर्मचारी रहते। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जब किसी एक ही सोर्स पे बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो वहां कंपटीशन बढ़ जाता है। जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो अब वो क्या सोचते हैं कि हम तो अपनी दुकान चलाएंगे ना भैया, हम तब तो बिजनेस चलाएंगे चलाएंगे, ठीक है ना। तो वो लोग सोचते हैं कि जो कस्टमर मेरे पास आता है, वो कस्टमर कई जगह, देखिए कस्टमर किसी एक का सगा नहीं होता, ये सब जानते हैं। इसी कॉन्सेप्ट के साथ बात की जाती है कि हम कुछ ऐसे आइडियाज यहाँ पे यूज करें जिससे हमारा जो बिजनेस है वो स्टैंड में रहे, या हमें नए नए बिजनेस के आइडियाज हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें, हम किसी पर्टिकुलर एक चीज पे न रहे, यानी अपने आप को अपग्रेड कर सकें। ऐसे बहुत ही 8-10 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम ये चीज सोच लेते हैं कि हाँ, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, हम बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी बनी हुई है जिसको हम देखते ही कह सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं। हम उसको कह सकते हैं, बता सकते हैं कि, या उसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे अब्दुल कलाम आजाद की मैं बात करूं, तो वो अपने प्रोफेशन के साथ साथ
कहते हैं, बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो है सुबह टाइम जो है ना मैथमेटिक्स सॉल्व किया करते थे, जबकि वो चीज पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अपने दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं कि वो मैथमेटिक्स सॉल्व किया करते थे, और इसलिए सॉल्व करते हैं कि जिससे मतलब जो है उनका दिमाग की जो माथा पच्ची है ना, दिमाग उनका मतलब स्थिर ना हो और भी चीजों में डेवलप करे, एक लॉजिक क्रिएट होता रहे उनके दिमाग में, उनके काम में वो चीज उसको हेल्प करे, तो इसकी एक वो आदत डाल देते हैं। आई थिंक अमित कुमार लगता है क्विट हो गए, फिर से मैं रिस्टोर किए दे रहा हूँ। अमित कुमार जी लगता है स्विच ऑफ कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट स्विच पे लगता लगे हुए। चलिए तो आइए देखते हैं, एक लेख एक डिटेल के माध्यम से देखते हैं कि क्या क्या बिजनेस आइडियाज हैं, कौन कौन से लोग हैं बिजनेस आइडिया में, कितने एंटरप्रेन्योर के सोर्सेस ऑफ आइडिया बिजनेस आइडियाज हैं। और एक होती है देखो टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी हम सब यूज करते हैं जब हमें यह कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो आइडियाज मैंने लगा दिमाग पे सोच रखा है, हो सकता है उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँ तो प्लस और माइनस हो जाए, तो ये दोनों चीजें रहती हैं। लेकिन डिपेंड कॉन्फिडेंस तब अगर आपके दिमाग में है उस आइडिया को लेकर, तो आपका जो इम्प्लीमेंटेशन जब आप करने जाओगे तो पॉजिटिविटी आपकी 80% रहेगी और 20% निगेटिविटी रहेगी। निगेटिविटी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आप कंपटीशन देते हो, आप ये सोच के पेपर देने नहीं जाते हो कि मेरा कभी होगा ही, आप ये सोच के जाते हो चलो मेरा जो होगा देखा जाएगा, ट्राई करते हैं, शायद मैं पहली बार भी निकल जाऊँ, शायद मैं दूसरी बार भी निकल जाऊँ, तो उसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस, वहां पे जग जाते हैं। और कॉन्फिडेंस अगर आपकी बॉडी के अंदर है किसी भी चीज को लेकर, तो आपके अंदर आइडियाज बहुत अच्छे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं कि हम कर नहीं सकते। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के लिए सोर्सेस को खोजना और फिर उसको आइडिया में बदलना और फिर नई नई अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, ये सब चीजें मिस नहीं की जा सकती। आइडियाज के लिए बहुत जरूरी है कि आप थिंकिंग करें कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा काम चले। जब तक आप नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होता है वो सोचता है कि अब तो मैं सरकारी नौकरी पा गया, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बिजनेस मैन के लिए ये चीज सोचना गलत होता है। अगर वो नहीं करेगा तो फिर उसको प्रॉब्लम होगी, वो मार्केट में टिक नहीं पाएगा, असल में उसको लॉस होगा। इसलिए अच्छे अच्छे आइडियाज के सोर्सेज को हमें देखना चाहिए, उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उससे क्या होगा कि हमें नए नए आइडियाज मिलते हैं। जैसे कि मैं आप एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको उस स्क्रीन शेयर में देखेगा, ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे देखिए जैसे कि जो सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये हमारा ना 8 गुड सोर्सेस हैं आपके पास न्यू बिजनेस आइडियाज की। तो देखिए बहुत सारे दुनिया भर में लाखों उद्यमी हैं, लाखों एंटरप्रेन्योर हैं, और उनके प्रमाण भी बताते हैं कि नए व्यवहार, जो आपका नया व्यवहार या व्यावसायिक विचारों के कई संभावित स्रोत हैं। जैसे एक आपका हायर कार है, कि देखिए एक एक बिजनेस आइडिया सच है हायर कार, यानी कि आप यहां से पढ़े कि देयर आर मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड डियर टेस्टिमोनी सजेस्टेड दैट देयर आर मेनी पोटेंशियल वेरियस सोर्सेज ऑफ न्यू आइडियाज न्यू वाइबल बिजनेस आइडिया सच एज हायर कार, या उद्यमिता विचारों के स्रोत या व्यवसायिक अवसरों के स्रोत। ये जैसे कि आपके सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया या सोर्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो सम ऑफ द मोर यूजफुल ग्रेट वेज टू जनरेट द बिजनेस आइडियाज आर आउटलाइंड बिलो। तो इसमें बेसिकली क्या देखते हैं कि आपका जो व्यवसायिक विचारों को उत्पन्न करने के लिए कुछ अधिक उपयोगी तरीके नीचे दिए गए हैं, कि आपके जो व्यवसायिक विचार है जो बिजनेस आइडियाज है वो कैसे उत्पन्न हो आपके माइंड पे। जैसे आपका सबसे पहले होता है इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज। देखिए हॉबी एक फेवरेट लेजर टाइम एक्टिविटीज है, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन। इसको आप ऑक्यूपेशन भी बता सकते, ऐसा नहीं है, हॉबीज को आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब मैनी पीपल इन परस्यूट ऑफ दियर हॉबीज एंड इंटरेस्ट हैव ए फाउंडेड बिजनेसेस। एग्जाम्पल देखिए, यू एंजॉय प्लेइंग विद कंप्यूटर, आप कंप्यूटर के साथ प्ले करते हो, खेलते हो, कुकिंग, कुछ लोग कुकिंग में एंजॉय करते हैं, म्यूजिक, ट्रेवलिंग, स्पोर्ट एंड परफॉर्मेंस। देखिए अब
आपसे कुछ बात चाहती है कि अगर आपकी हॉबी और इंटरेस्ट बहुत ज्यादा, जैसे कुछ लोगों को खाना बनाने का बड़ा शौक होता, कभी भविष्य में वो करते करते अचानक से अगर वो चाहें, जैसे आजकल देखो देखा जाए तो कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेस ठप पड़े, बहुत सारे रेस्टोरेंट के बिजनेस ठप पड़े, तो जरा सोचिए जो रेस्टोरेंट वाले होम डिलीवरी कर रहे होंगे, क्या वो डिलीवरी बॉय अलावा जो अपने घर पे खाना बनाते हैं, जो मतलब रेस्टोरेंट वाले खाना तो बनाते होंगे, क्या मैक्सिमम एम्प्लॉय जो रखे होंगे रखे होंगे? अगर मैक्सिमम एम्प्लॉय यानी कंप्लीट एम्प्लॉय अगर रखेंगे होंगे बिल्कुल लच्छा खासा लंबा खाटा लगेगा। दूसरी बात, छोटे मोटे स्कूल्स हैं जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वो इस समय क्या सोच रहे होंगे ऑनलाइन क्लास में कि एक या दो टीचरों को रख लिया जाए, या तीन दिन हम ये क्लास चला दे, तीन दिन हम ये क्लास चला दे, तीन दिन का पैसा उसको दे, तीन दिन का पैसा इसको दे, एक कंप्लीट मंथली सैलरी नहीं दे रहे हैं, ऐसा सिस्टम उन्होंने बना के रखा होगा, मतलब उस चीज की बचत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि हमको इस कोविड में काम तो करना है या बिजनेस भी करना है, क्योंकि खर्चे सबके साथ है। तो देखिए ये चीज़ ने कहा ट्रेवलिंग, किसी को ट्रेवलिंग का हॉबी होता है, शौक होता है, किसी को म्यूजिक का शौक होता है तो अपना इसी में वो फ्यूचर देखने लगता है, किसी को कुकिंग का होता है, एक अच्छा रेस्टोरेंट, एक अच्छा मतलब होम डिलीवरी रेस्टोरेंट डला सकता है कि नहीं हम केवल होम डिलीवरी रेस्टोरेंट ही करेंगे। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि स्कूल कॉलेजों में ऐसे ऐसे स्कूल सब बनेंगे जो सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ एक बार जाना होगा, अपने बच्चे का फोटो लेना होगा, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कराना होगा, इसके बाद अपने घर में बैठ क्लास लो, जिसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल से कंपल्सरी हो जाएंगी, जैसे कि कंप्यूटर। आज जूम में आप क्लास अटेंड करो, आपको वहां पे मोबाइल में आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको आप कंप्यूटर में भी चला सकते हो, मैं कंप्यूटर बैठ के पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप कंप्यूटर में कर, तो वही बात है कि आप कोई इंजॉय कर रहे हो प्लेइंग विद कंप्यूटर, प्लेइंग विद कुकिंग, प्लेइंग विद म्यूजिक, ट्रेवलिंग, स्पोर्ट, परफॉर्मिंग, आई टू नेम बट यू मे एबल टू डेवलप इन टू अ बिजनेस, आप इसको चाहें तो डेवलप कर सकते हैं। आप प्लेइंग की बात करो, जो लोग शुरू से अच्छा खेलते हैं वो बाद में उसको प्रोफेशन बनाते हैं, जब सचिन सहवाग ये सब खेल सब क्या है, पहले अच्छा खेलते थे, इन्होंने आप उस चीज को प्रैक्टिस में लाए ना, आज उसको एक बिजनेस, आज एक प्रोफेशन बन गया उनका, कहीं ना कहीं अपने आप को परफॉर्म किया, तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली होगी तभी तो गए होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज आप तभी एक्सेप्ट कर पाओगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कॉन्फिडेंस तब होगा जब आपके अंदर एबल होगा उस चीज कि हाँ मैं अच्छा खेल सकता हूँ, तभी आप कर सकते हैं। फिर इफ यू एंजॉय ट्रेवलिंग, परफॉर्मिंग एंड हॉस्पिटैलिटी, यू मे कंसीडर गोइंग टू टूरिज्म, आप उस टूरिज्म में जा सकते हो। अगर अच्छा आपको ट्रेवलिंग का नॉलेज है तो आप एक टूरिज्म प्लेस दे सकते हो, मैं टूरिस्ट गाइड बन सकते हो, आजकल टूरिज्म का बहुत अच्छा, तो इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। तो अनदर एग्जांपल, फ्री बैलेंस, फ्री लांस राइटिंग, यानी कि आप ये कह सकते हो कि शौक जो होता है आपका, लेकिन मैंने हिंदी में कर रखा है, शौक एक पसंदीदा अवकाश समय की गतिविधि या व्यवसाय है। बहुत से लोगों ने अपने शौक या रुचियों की खोज में व्यवसाय की स्थापना की, वही बात मैं समझा रहा हूँ। अगर उदाहरण देकर आप कंप्यूटर के साथ खेलना जानते हो, खाना बनाना जानते हो, संगीत, यात्रा, खेल, प्रदर्शन करना पसंद करते हो, लेकिन कुछ ही तो आप इसे एक व्यवसाय के रूप में विकसित करने में भी सक्षम हो सकते हो। इसे स्पष्ट करने के लिए, आप यात्रा या प्रदर्शन या अतिथि का आनंद लेना चाहते हैं तो आप पर्यटन में जाने पर विचार कर सकते हो, जो दुनिया के सबसे बड़े उद्योग में से एक है। टूरिज्म दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है, सबसे बड़ा बिजनेस है, सबसे बड़ा आपका उद्यमी है, एक बहुत बड़ा यानी कि बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड आपका टूरिज्म। टूरिज्म बहुत चित्रकूट है, अब चित्रकूट के तो बहुत बड़ा शायद टूरिस्ट प्लेस नहीं है फिर भी, पर कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर वो चाहें तो बाहर के बहुत सारे गाइडर आते हैं, वो उसके बारे में बताते हैं। जैसे आप बनारस चले जाओ, बनारस में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ लोग जाते होंगे तो पूछते होंगे भाई हमें यहाँ घुमाइए, यहाँ के बारे में बताइए। तो सिर्फ टूरिज्म को देखो भाई, आप सिर्फ घूम फिर के चले आए, आपको पता है कि कहाँ पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ है, आपको मालूम है, ठीक, नो डाउट, वो तो सबको पता है, उसके बारे में बताना, कई नए लोग आते हैं, वो आपकी बात सुने या ना, अगर वो आपके साथ है तो सुनेंगे तो है। तो टूरिज्म एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल अपॉर्चुनिटी आज की युग में, दुनिया के सबसे बड़े उद्योगों में एक कहलाता है आपका टूरिज्म, जिस पर भी विचार कर सकते हैं। तो देखिए ये आइडियाज है, एक अनुदाहरण है जैसे स्वतंत्र लेखन,
यानी कि आप फ्रीलांस राइटिंग कर सकते हो। तो अभी से फ्रीलांस राइटिंग में क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, यस शायद आपको लिखने का शौक है और आप अपना अधिकांश खाली समय दुनिया के सबसे लेखकों के उत्तेजक उपन्यास पढ़ने में बिताते हो, तो पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आइडिया जरूर आएगा कि यार मैं ही कुछ लिखूं। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में लेखन प्रतिभा की तलाश में स्टार्टअप, छोटे व्यवसाय और बड़े निगमों के साथ दूरस्थ लेखन नौकरियों की संख्या से विस्फोट हुआ एकदम से। मतलब लोग राइटिंग पे, कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा लिखना जानते हैं, तो कई कंपनीज हैं तो कहती थी कि आप लिखे हम इसको छापेंगे, एक अच्छी कंपनी की छापेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप लोगों की टूरी दूरी की बागवा, उसमें उसने अमित जी ने काफी कुछ लिखा, एक पुस्तक निकाली, बाद में देखो कितना फैला दुनिया भर में वो उसकी कहानी, लोग पढ़ते पढ़ते, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे देश है, सबने पढ़ा, हर भाषा में उसको ट्रांसलेट करके दिया, ऐसा दिखाया गया। तो ये कहीं ना कहीं देखिए एक रियलिटी भी होती है कि कुछ लोग अपनी बात एक कहानी के माध्यम से, एक उपन्यास के माध्यम से लिखते हैं। आपको क्या लगता है, बहुत सारे जो पहले मूवीज वगैरह की जो शूटिंग वगैरह होती है, शूटिंग वगैरह क्या होता है, शूटिंग जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, क्या करते हैं, ये स्क्रिप्ट जो बनाते हैं कहीं ना कहीं सोर्स को लेते होंगे ना, उनके आइडियाज कहाँ से आते हैं, ये सब चीजें लोग उपन्यास पढ़ते हैं, कई लोगों की कहानी पढ़ते हैं, जो कहानी अच्छी लगती है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, एक नई मूवी बन जाती है। तो सेम डिक्टो वही चीज यहाँ पर भी होती है। जैसे अब इसके बाद एक चीज होती है पर्सनल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल स्किल्स भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नो डाउट। तो जो सफल व्यवसाय के लिए आधे से अधिक विचार कार्यस्थल के अनुभवों से आते हैं। उदाहरण के लिए एक बड़े गैरेज में, एक बहुत बड़ा गैरेज है मान लीजिए, सपोज करिए काम करने का अनुभव रखने वाला मैकेनिक जो अंततः अपनी कार की मरम्मत या इस्तेमाल की गई कार का व्यवसाय स्थापित करता है, इस प्रकार अब आप समझिए संभावित जो भी उद्यमी है उनकी पृष्ठभूमि व्यवसाय में जाने के निर्णय के साथ साथ बनाए जाने वाले उद्यम के प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बात, यानी कि न केवल विचारों को उत्पन्न करने में बल्कि उन पर पूंजी लगाने में भी अपने कौशल और अनुभव शायद आपके सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये भी एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, आपकी स्किल्स और आपका एक्सपीरियंस, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई लोग होते हैं गाड़ी वगैरह बनाना जानते हैं लेकिन वो बिजनेस में उसको इंक्लूड नहीं करते, आप कर सकते हो, आप अच्छा सीखे अच्छा बिजनेस उत्पन्न कर सकते हो, ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है। अब फ्रेंचाइजीज की बात करें, देखिए फ्रेंचाइजीज एक अरेंजमेंट है, द मैन्युफैक्चरर आर सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए ट्रेडमार्क प्रोडक्ट या सर्विस गिव्स एक्सक्लूसिव राइट ऑफ द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडिपेंडेंट रिटेलर इन रिटर्न फॉर द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी एंड कमोडिटी या कंटिन्यूटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फ्रेंचाइजी क्या है कि मेक अ टेक सेवरल फॉर्म्स, जैसे कि एक फ्रेंचाइजी ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत किसी भी ट्रेडमार्क है, कोई भी ट्रेडमार्क है, किसी भी ट्रेडमार्क को आप ले लीजिए, उत्पाद हो गया, सेवा का निर्माता, एकमात्र वितरक, स्वतंत्र रिटेलर विक्रय, उनकी रॉयल्टी के भुगतान, मानवीकर। तो देखिए फ्रेंचाइजी जैसे आप देखते होंगे कि कुछ लोग हॉट डॉग है, कुछ लोग जो है कई प्रकार की फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, जैसे मान लो सपोज करो बाबा रामदेव का इस समय पतंजलि का चल रहा है, कई लोग फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, उस पर काम करते हैं। फ्रेंचाइजी कई रूप ले सकती है लेकिन सूची में एक वह प्रकार की एक नाम, एक छवि, व्यवसाय करने का तरीका, संचालन प्रक्रिया आपको प्रदान करती है। आप किसी भी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, अभी तो पिज्जा हट है, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले लीजिए, तो एक यूनिक आइडिया आपने ले लिया, आप उसी के थ्रू आप कुछ भी दे सकते। जैसे सपोज करो आपने एक कोई बिजनेस डेवलप किया, वो यूनिक है, वो जैसे पतंजलि यूनिक है इंडिया में, दूसरी कोई पतंजलि नहीं है ना, तो इसे आपको फ्रेंचाइजी दे सकता है। वैसे आप कोई ऐसा बिजनेस डेवलप करो, जब वो चल जाए तो उसकी फ्रेंचाइजी के लिए आप लोगों को आमंत्रित करो, तो ये भी एक देखिए नया आइडिया है। तो इसके लिए बहुत सारे फ्रेंचाइजी एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन है, जो कई लोगों को फ्रेंचाइजी देते हैं। जैसे स्कूल की फ्रेंचाइजी मिलती है, लटखट है, कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनकी फ्रेंचाइजी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती लोग करते हैं। और 1980 के दशक में शुरुआती फ्रेंचाइजी ने जबरदस्त विकास का अनुभव किया,
जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप में शुरू होने वाले लाखों एंटरप्रेन्योर के लिए व्यवसाय में जाने के बहुत ही इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका बन गया है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2000 से अधिक प्रकार के फ्रेंचाइजी व्यवसाय है जिनका वार्षिक बिक्री राजस्व में यूएस का $300 बिलियन से अधिक और सभी खुदरा बिक्री का लगभग एक तिहाई हिस्सा बहुत ज्यादा है। फ्रेंचाइजी खरीदने वाले जो फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उनके लिए अगर हम देखें के अलावा कोई भी फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट को विकसित और बेच भी सकता है। जैसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंचाइजी एसोसिएशन समेत कई निर्देशाएं हैं और हैंडबुक के साथ साथ एसोसिएशन भी है जो अधिक जानकारी प्रदान कर सकती है। अब दूसरा देखिए कहता है मास मीडिया, आप मास मीडिया भी देख सकते हैं। मास मीडिया आपका क्या रोल अदा करता है, जैसे न्यूज, न्यूज पे आप देखिए एक देखिए मास मीडिया बेसिकली क्या है, ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रेट सोर्स ऑफ आइडिया है, ग्रेट सोर्स ऑफ यूजुअली अपॉर्चुनिटीज। जैसे न्यूज पेपर है, मैगजीन्स है, टेलीविजन है, नाउअडेज इंटरनेट आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ मास मीडिया। आप देख रहे हो टेक केयर केयरफुल लुक फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर मैगजीन्स है, बहुत सारे वी फाइंड द बिजनेस ऑफ आवर सेल्स, मास मीडिया सूचना है, विचार है, अवसर अवसरों का एक बहुत बड़ा स्रोत है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविजन है, आजकल इंटरनेट सभी मास मीडिया के उदाहरण। किसी भी समाचार पत्रिका या पत्रिका में वाणिज्य विज्ञापनों को देखें, आपको बिक्री के लिए व्यवसाय मिल सकते हैं, उद्यमी बनने के तरीका, इस तरह के प्रस्ताव का जवाब देना होता है, मुद्रित प्रेस, इंटरनेट पर लेख, टेलीविजन पर ऐसे फैशन, उपभोक्ता की जरूरतों में बदलाव तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मास मीडिया के माध्यम से मिल सकते हैं। अब एग्जीबिशन होता है, एग्जीबिशन आप जानते होंगे एक प्रदर्शनी को बोलते हैं। किसी की व्यवसाय के लिए विचार खोजने का दूसरा तरीका प्रदर्शनी और व्यापार मेले में भाग लेना होता है। आप मेले में जाते होंगे तो कई प्रकार के प्रोडक्ट, कई प्रकार की दुकानें लगी रहती हैं, आप बहुत सारे एग्जीबिशन में जाते होंगे, देखते होंगे ये कैसे कर रहे हैं, तो उससे आपके नए आइडियाज खुल सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने बिजनेस को लेकर। तो ये आमतौर पर रेडियो और समाचार पत्रों में विज्ञापित होते हैं। नियमित रूप से इस तरह के आयोजन में जाकर आप न केवल नए उत्पाद सेवाओं की खोज करेंगे बल्कि आप बिक्री प्रतिनिधियों, निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, वितरकों और फ्रेंचाइजी से भी मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया लगे। मेला क्यों लगता है, मेले जब कहते हैं कहीं मेला लगा हुआ है, आप मेले में जाते हो, कई प्रकार के देखते हो, जो प्रोडक्ट मिलते होंगे आप खरीद के भी लाते होंगे, कभी सोचा वो बेचते हो कहाँ से लाते होंगे, उनका बिजनेस आप आइडिया लगाइए कितना सेल करता होगा, कितना इसको इनकम होती होगी। तो ये सब छोटे छोटे नए नए आइडियाज दिमाग में आते हैं जब आप घूमें। घूमने फिरने से बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज होता है। ये अक्सर व्यवसायिक विचारों, सूचनाओं और आरंभ करने में सहायता से उसका स्रोत होते हैं। उनमें से कुछ भी आप जैसे किसी व्यक्ति की तलाश में हो सकते हैं। अब जैसे सर्वे की बात करें, अब सर्वे है, सर्वे क्या है, द फोकल पॉइंट। आप कह सकते हो कि फॉर न्यू बिजनेस आइडिया शुड बी कस्टमर, तो सर्वे भी आप करा सकते हो। सर्वे करके केंद्र आप देख सकते हो कि कहाँ क्या चल रहा है, इससे भी आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, नए नए आइडियाज खोज सकते हो, विचार सकते हो। कंप्लेंट, ग्राहकों की शिकायतों और कठिनाओं को, नई उत्पाद या सेवा को जब आप कंप्लेंट सुनो, नए नए आपको ग्राहक बताएगा कि हमारे कोई कमी हो तो हमको बताइए ताकि हम उसमें आगे सुधार करें, सुना होगा आप लोगों ने। फिर एक आता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें आपके दिमागी कसरत, टेक्निक, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए जिससे आपके नए नए आइडिया दिमाग में आए, टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, रीजनिंग वगैरह करिए जिससे आपके दिमाग में नए नए आइडिया जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं कई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, ब्रेन स्टॉर्मिंग कई तरह की चीज़ों को जन्म देता है। आपके नए नए बिजनेस आइडियाज आपके दिमाग में आए, जैसे विचार मंथन एक टेक्निक है, विचार मंथन जिसको बोलते हैं, रचनात्मक समस्या समाधान के लिए विचार उत्पन्न करने के लिए जितना हो सके आप पूछ सकते हैं कि आज घर में ऐसे कौन कौन से उत्पाद और सेवाएं जो उपलब्ध नहीं है। ये कई सारी चीजें हैं। दूसरों के विचारों की आलोचना या न्याय ना करें, दूसरों के विचारों को सुने ताकि आपके भी दिमाग खुलेगी कि नहीं हम जो बोल रहा है सही है कि गलत, आप सब की सुने कि सोचे कि हो सकता है ये विचार गलत हो। फ्री हीलिंग प्रोत्साहित किया जाता है, ऐसे विचार जंगली या पागल लगते हैं उनका स्वागत है। मात्रावाद, कई सारी चीजें होती हैं आपके व्यवसायिक विचार उत्पन्न करने के बहुत सारे कारण भी हैं। तो ये जो एक टेक्निक थी जो मैंने आपको तरीके बताए, 8 प्रकार के तरीके बताए मैंने आपको,
कि आप कंप्लेंट के थ्रू देख सकते हो, कंप्लेंट्स आप कस्टमर की कंप्लेंट सुनिए तो आपको पता चलेगा क्या हमने गलती की, इससे आपको नई नई चीजें समझ में आएंगी। आप ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक है क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जिससे आपके आइडिया जनरेट होते हैं, और ऐसे बहुत सारी इस मेथड को यूज करने से आप फॉलो दीज फोर रूल्स, आप किसी के जजमेंट को क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप किसी की बात को नकारिए मत, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं उनकी बात जरूर सुनिए, हो सकता है वो सही बोल रहे हैं, हो सकता है उसके बात सुनने से आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आ जाए, ठीक है ना। ये चीज करेंगे तो फिलहाल अभी तो सिर्फ इतना ही है, आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, नहीं तो मैं इसको क्विट करूं क्योंकि आधे घंटे हो रहे हैं। राम जी, अमित, अमित राम जी, यस सर, ठीक है, कुछ नहीं पूछना। ओके, तो बेसिकली तीन लोग थे इसमें इनवाइट में, मुझे लगता है सिर्फ एक ही लोग आए क्या। चलिए, ओके, थैंक यू।